हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा वजन पर आधारित शब्द पहेलियों वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन वेट को हल करना सीखा। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे। बन्नू की डिजाइनर साड़ियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई हैं। बन्नू सोच रही है कि वो चप्पू ट्रेवल्स की विमान सेवा के जरिए अपनी साड़ियां विदेश भेजेगी। बन्नो इस बारे में पूछताछ करने चप्पू ट्रेवल्स के ऑफिस आई है। चन्ना, मुझे मेरी साड़ियां विदेश भेजनी है, मुझे इसके कितने पैसे लगेंगे? देखो बन्नो, हम पार्सल के वजन के अनुसार पैसे लेते हैं। 5 किलो के पार्सल के लिए तुम्हें 500 रुपए देने होंगे, चंदा ने बन्नो से कहा। अब बन्नो सोच रही है, साड़ी का वजन 500 ग्राम है, तो 5 किलो के पार्सल में मैं कितनी साड़ियाँ भेज पाऊंगी? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि अगर बन्नो की एक साड़ी का वजन 500 ग्राम है तो 5 किलो के पार्सल में वो कितनी साड़ियाँ भेज पाएंगी? पहले हम 5 किलो को ग्राम में लिखेंगे। 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर है, इसलिए 5 किलो 5 × 1000 5000 ग्राम के बराबर होगा। अब बन्नो की एक साड़ी 500 ग्राम की है, इसलिए 5000 ग्राम में कितनी साड़ियां होंगी इसका पता लगाने के लिए हम 5000 को 500 से भाग करेंगे। 5000 भाग 500 हो गए 10। इस तरह बन्नो 5 किलो के पार्सल में 10 साड़ियां भेज पाएगी। बन्नो ने अपनी 10 साड़ियों को एक बॉक्स में भरकर चप्पू ट्रेवल्स के जरिए विदेश भेज दिया। विदेश में भी बन्नो की साड़ियां बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब बन्नो सोच रही है कि वो इस बार 50 साड़ियां विदेश भेजेगी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन 50 साड़ियों का कुल वजन कितने किलो होगा? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोच सकते हैं। एक साड़ी का वजन 500 ग्राम है। 50 साड़ियों के वजन का पता लगाने के लिए हमें एक साड़ी के वजन को 50 से गुणा करना होगा। 500 × 50 है 25000 ग्राम। अब हम इसे किलो में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, हम 25000 को 1000 से भाग करेंगे। 25000 भाग 1000 हो गए 25। इस तरह बन्नो की 50 साड़ियों का कुल वजन होगा 25 किलो। बन्नो ने अपने 50 साड़ियों का पार्सल विदेश भेज दिया और देखते ही देखते बन्नो की साड़ियां पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। बच्चों, इस वीडियो में हमने वजन पर आधारित शब्द पहेलियों वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन वेट को हल करने से संबंधित कुछ और मजेदार उदाहरण देखें।